तमाशा हो जाए, हो जाए। कोई जलवेदार तमाशा हो जाए, हो जाए। अंगारों से डर है ना तलवार से, हो जाए। टकराना है जुल्मत की दीवार से, हो जाए। तूफानों से नहीं डरेंगे, धूम का पर्दा फाश करेंगे। जिसका खंजर रुकी कभी ना खंजर जाए, हाथ से जीना बदला लेंगे चोरों के सरदार से, हो जाए। बदला लेंगे चोरों के सरदार से। बाबा नहीं, कोतवाल साहब आप पीछे हट जाइए। आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे जाइए। खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। तुम्हारी जादू बयानी ने हम पर भी एक जादू सा कर दिया है। शुक्रिया मेरे सरताज शहंशाह कि आपको यह किस्सा भी बहुत पसंद आया। लेकिन हुजूर, जब शहजाद ने बताया कि दुनिया में एक ऐसा बहादुर जांबाज अकलमंद सौदागर भी गुजरा है जिसने हिम्मत और बहादुरी की मिसाल कायम की है, तो यह सुनकर बादशाह उस बहादुर इंसान की कहानी सुनने के लिए बेताब हो गया। तब शहजाद ने यह कहानी सुनाई कि उस बहादुर इंसान का नाम सिंदबाद जहाजी था, जो कि खलीफा हारून रशीद के जगमगाते हुए शहर बगदाद का रहने वाला था। सिंदबाद समुंदर की खतरनाक कहानियों और अक्ल को हैरान कर देने वाली बहादुरी तिलस्माती जादुई दास्तानों की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसे सदियां गुजरने के बाद भी दुनिया आज तक भुला नहीं सकी। सिंदबाद ने समंदर के साथ सफर किए थे और हर सफर अपने दामन में अनोखे अजीबो गरीब वाकयात लेकर आया था। इसीलिए सिंदबाद के वो सात सफर रहती दुनिया तक कभी न भूलने वाले तारीखी यादगार सफर बन गए। बहुत ही अजीब और हैरत में डूबे हुए हालात से गुजरने वाला सिंदबाद का पहला सफर उस वक्त शुरू होता है जब सिंदबाद गरीब था और एक बहुत ही मामूली सौदागर की तरह वो एक बड़े अमीर के मुसाफिर जहाज में सफर कर रहा था, जिसमें बहुत से शहरों के दौलतमंद सौदागर और खूबसूरत दुल्हा दुल्हन शादी के बाद अपने वतन जा रहे थे। जहाज में चारों तरफ हंसी कहकहे और खुशियां ही खुशियां थीं।
इसी समंदर में वक्त का सबसे बड़ा जालिम डाकू, समुद्री डाकुओं का बादशाह कहरमान भी मुसाफिर जहाजों को लूटता हुआ अपने जहाज पर मौत का निशाना लगाए हुए आ रहा था। डाकू कहरमान नौजवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और मर्दों को गुलाम बनाकर उन्हें जानवरों की तरह मारने और बेचने वाला निहायत जलील, बेगैरत, कमीना, इंसानियत से गिरा हुआ पत्थर दिल वहशी दरिंदा, कातिल, बर्दा फरोश, जालिम डाकू बादशाह था। मारो और मारो और कोड़े बरसाओ, इंसानों के जिस्म पर लगते हुए कोड़ों की आवाज हमें बहुत पसंद है। मारो और मारो। तो मारो और मारो। इसे मत मारो भाईजान, इसे मत मारो, इस पर रहम करो। ये मेरा छोटा भाई है, किसी का मुझे कोड़े लगाओ, ये बहुत बीमार है बादशाह, इस पर रहम करो। ये बीमार है तो और मजा आएगा। मारो मारो। नहीं भाईजान, नहीं, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकता। बादशाह, इस पर रहम कर, ये मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, इसकी जगह मेरी जिंदगी ले ले तू, इस पर रहम कर बादशाह, इस पर रहम कर। रुक जा सम्राट, रुक जा, ये बेचारा बीमार है, इस पर रहम कर, रहम कर, इसे उठाकर समंदर में फेंक दे। नहीं 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 नहीं, ताकि ताकि भूखी मछलियों का पेट भर जाए। नहीं 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 नहीं। नेकी कर और दरिया में डाल। शैतान, खुदा से डर, इतना जुल्म न ढा, तूने हमारे जहाज को लूटकर उसे आग लगा दी, तूने हम औरतों के शोहर, माँ बाप, भाई, बच्चों को मारकर बाजारों में बेचने के लिए अपना गुलाम बना लिया। ऐ वैशी, दरिंदे, भेड़िए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Ha 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 ha!
बादशाह कहरमान, बादशाह कहरमान। क्या खबर है नाजिर सफान? एक मुसाफिर जहाज हमारे समंदर की हद में से गुजर रहा है। शाबाश शाबाश, क्या खबर लाए हो, दिल खुश हो गया है। लाओ 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 लाओ, आइए हटो। साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मालूम होता है किसी बहुत बड़े सौदागर का जहाज है। मेरे वफादार और जाबाज साथियों, अपनी तलवारों को खून में नहलाने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा नाम डाकू कहरमान। अरे ना खुदा, डाकू का जहाज यहां से कितनी दूर होगा? एक मील। देर में वो हमारी तबाही और बर्बादी का झंडा लहराता हुआ हमारे सरों पर अपनी तलवारें लिए पहुंच रहा है। वो इंसानों को गुलाम बनाकर बेचने वाला सबसे बड़ा बर्दाफरोश डाकुओं का समंदरी बादशाह है वो। हाँ? वो बूढ़े मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों को कत्ल कर देता है और जवान औरतों और मर्दों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। बहुत जालिम है वो, और जो उसका हुक्म नहीं मानते उनकी आंखें निकाल लेता है वो। अरे अमीर जहाज के मालिक, खुदा के लिए हमारी हिफाजत कर। उस आलम से मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। घबराओ नहीं, अल्लाह मियां बहुत बड़ा है। अरे अमीर, हमारी इज्जत आबरू को बेआबरू होने से बचा ले अमीर, बचा ले अमीर। हाँ हाँ। बचा ले। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर, बचा ले अमीर, बचा ले अमीर। खुदा अल्लाह रहम कर। ऐ ना खुदा, तुम समंदरी सफर के पुराने तजुर्बेकार मल्लाह हो, तुम इन जालिम डाकुओं से बचने का कोई रास्ता, कोई तरीका हमें बता दो। हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है ऐ अमीर, कि हम अपनी हार और सुलह का सफेद झंडा लहरा दें। हाँ? और बिना लड़े अपना सारा कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे मोती, अनाज सामान और जवान लड़कियां और खूबसूरत औरतें उस जालिम टाकू के हवाले कर दें। क्या? औरतें? हाँ औरतें। औरतों को उनके हवाले कर देंगे तो वो जालिम टाकू हम मर्दों, बूढ़ों और बच्चों की जानों को बख्श देगा। वक्त का तकाजा है कि हमें औरतों के बदले में जिन लोगों की भी जानें बचा सकते हैं उन्हें बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। ये समझदारी नहीं, बुजदिली है, बेशर्मी है, तंगदिली है, खुदगर्जी है, जुल्म है औरत पर, और इंसानियत की सबसे बड़ी बेइज्जती है ज़मीर फरोश ना खुदा। ऐ कम अकल सिंधवाद,
ये वक्त इंसानियत को पहचानने का नहीं, अपनी जान को बचाने का वक्त है। ये दूर दराज से आए हुए मुसाफिर और औरतें क्या तुम्हारी अजीज रिश्तेदार हैं जो तू इनके लिए तड़प रहा है? अजीज रिश्तेदार? अरे खून के रिश्ते तो फिर भी वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता न कभी बदलता है न टूटता है, बल्कि मुसीबत में और मजबूत हो जाता है। अब मुसीबत में ये सब हमारी माएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। इनकी बेबसी और इनका बुढ़ापा हमारी मदद और हिफाजत का हकदार है। शाबाश, शाबाश ऐ अजीम इंसान सिंदबाद, शाबाश। ऐ ना खुदा, तू कैसा ना खुदा है जो डाकू शैतान से डर रहा है? अरे खुदा से डर खुदा से, और हमारा साथ दे, बादबानों का रुख बदल दे, जहाज को डाकू कहरमान के हाथ से बाहर निकालने जा। बुज़दिल न बन, हिम्मत से काम ले, ये सारा खेल हिम्मत का है ना खुदा, हिम्मत का। हाँ हिम्मत से काम ले, लेकिन मैं हिम्मत हार चुका हूँ सिंधबाद। ये मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है, क्योंकि एक बार इसी इंसानियत के नाम पर बेवकूफी में मैंने अपने खुद के जहाज को इन्हीं डाकुओं की तलवारों से खून में डूबा हुआ देखा है, और बड़ी मुश्किल से समंदर में कूद कर मैंने अपनी जान बचाई थी। तब से मैं डाकू कहरमान के कहर से और ताकत से वाकिफ हूँ, इसीलिए डरता हूँ। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ऐ ना खुदा, खुदा पर भरोसा रख। खुदा उनकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मायूस ना हो, मायूस ना हो। लेकिन मैं मायूस हूँ ऐ अमीर, क्योंकि हमारी तलवारों से ज्यादा उसके पास जंगी हथियार हैं, उसके आदमी जंगजू खूंखार हैं, और गिनती में भी हमसे बहुत ज्यादा हैं। जंग गिनती या तादाद से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से। अगर हम में जज्बा है उनसे टकराने का, उनको मिटाने का, तो हम उन्हें मिटा देंगे। हाँ हाँ, हम उन्हें मिटा देंगे। अरे मेरे अजीजों, दोस्तों, साथियों, अपने आंसू पोंछ डालो और ये सोच लो कि अगर मरना ही है तो इज्जत से मरेंगे, जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे। अपने को कमजोर न समझो, अपने दिलों से उठती हुई चिंगारियों को शोले बना लो और दुश्मन के इरादों को जलाकर राख कर डालो। पूरे यकीन और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो, उसके वार करने वाले हाथों को काट डालो, उसके सरों और सीनों को अपने खंजरों तलवारों से छलनी कर दो, उसके कदमों को उसी के खून में डुबो दो, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे, मुकाबला करेंगे, इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ, चलो चलो। रफ्तार और तेज करो, दबोच लो। जाने ना पाए। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।